हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फ्लैग को, इंडिया के फ्लैग को ऋतिक रोशन के फेस पे कैसे पेंट करें ताकि ये फाइनल पिक्चर कुछ इस तरह से दिखे। इसके लिए हम किम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो कि फोटोशॉप का बेस्ट अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फोटो को यहाँ ओपन में जाके जहां भी आपका ये पिक्चर पड़ी हुई है वहां से ओपन कर लेंगे। सिमिलरली ये इंडिया के फ्लैग को भी ओपन कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऋतिक रोशन वाले फोटो पे इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ठीक है, एंड विल ट्राई टू रिमूव द कलर। सो हम जाएंगे यहाँ पे सेचुरेशन में और इसको जीरो सेट कर देंगे। ओके, अगेन कलर में जाएंगे हम लेवल्स और इसको थोड़ा सा और ब्लैक करने की कोशिश करेंगे, कुछ इतना। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस लेयर में लेयर मास्क ऐड करेंगे एंड ब्लैक टू फुल ओपेसिटी। हम पेंट ब्रश टूल यूज करेंगे और ये और ब्लैक एंड व्हाइट जो है इसे फोरग्राउंड में व्हाइट कलर्स चूज करके और ब्रश टूल चूज करेंगे। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि फेस को ऐसे पेंट करेंगे केवल फेस ब्लैक एंड व्हाइट हो और बाकी पार्ट कलर्ड हो। ओके, यहाँ लेयर मास्क वाले लेयर को चूज करके रखेंगे और हम पेंट करेंगे ऐसे, जितने फेस पे हमें फ्लैग को रखना है उस पार्ट को पेंट करेंगे रफली ऐसे। ओके, अभी आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अभी हम ब्लैक को फोरग्राउंड में लाएंगे, अगेन ब्रश टूल इज सिलेक्टेड एंड विल टेक इट बैक टू So, अभी क्या करेंगे, फ्लैग को लेंगे और फ्लैग को ऐसे क्लिक माउस बटन को दबाए रख के और ऋतिक रोशन वाले पिक्चर पे जाके और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इसको। ओके, अभी इस फ्लैग का साइज बहुत बड़ा है तो हम रिसाइज करेंगे, तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये स्केल टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको ऐसे पोजीशन करके इसको साइज कर लेंगे ताकि ये फेस को पूरी तरह कवर करे। थोड़ा सा ओपेसिटी जो है ये फ्लैग वाले लेयर पे जाके ओपेसिटी कम करेंगे ताकि हमें पता चले कि फ्लैग को हम कहाँ पोजीशन कर रहे हैं। ओके, सो फ्लैग को कुछ इतना, यस, अभी ये पूरे फेस को कवर कर रहा है थोड़ा सा। ओके, स्केल कर लेंगे, राइट। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, इसको फेस पे कट करना है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम फ्लैग वाले लेयर को हाइड कर देते हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो है रिट्रोशन की है वहां पे जाके लेयर मास्क पे जाएंगे। बेसिकली क्या करने वाले हैं, आईज और लिप्स को कलर करने वाले हैं ताकि वो अपने फ्लैग के पेंट पे ना आए। सो अभी अगेन ब्लैक ब्रश चूज, ब्लैक कलर एंड ब्रश, थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा कर लेंगे, यहाँ से साइज छोटा कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज ब्रैकेट की है उससे भी, और जूम कर लेते हैं, सो थोड़ा ब्रश को साइज और कम कर लेते हैं। ओके, अभी हम पेंट कर देंगे।
रफली थोड़ा उसको भी पेंट कर देते हैं। ओके लिप्स को भी पेंट कर देते हैं। इस लेयर पे जाएंगे और यहाँ करेंगे हम मास्क टू सिलेक्शन। तो जो पार्ट हमने पेंट किया वो सिलेक्ट हो गया है। अभी हम फ्लैग वाले लेयर पे जाके एंड विल एड लेयर मास्क एंड क्लिक हियर इन ऑप्शन विल क्लिक सिलेक्ट और इसको विजिबल कर देंगे। अभी देखिए जो पार्ट हमारा ब्लैक पेंटेड था और सिलेक्टेड था वहां पे फ्लैग पोस्ट हो गया। अभी ये बहुत अच्छी पिक्चर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत फिनिशिंग टच हम इसको देंगे। तो ये सिलेक्ट एंड नन और यहाँ जाएंगे मोड में और मोड में हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे। ओके ओपेसिटी हम फुल कर देंगे इस लेयर की। देखिए पिक्चर कुछ अच्छी दिखने लगी है बट इसमें फिर कुछ और टचिंग करेंगे हम इसमें। तो फ्लैग वाले लेयर पे जाएंगे हम एंड फिल्टर डिस्टॉर्ट एंड देन विल गो विल एंड पिंच। एक्चुअली क्या करने वाले फेस फ्लैग तो हमने पोस्ट कर दिया फेस के ऊपर बट वो फ्लैग एक फेस का शेप नहीं लेके और पिंच को हम ऐसे करेंगे कि ये फेस के ऊपर बल्ज तो दिखे कुछ ऐसा। ओके ये अभी अच्छे से पेंट हो गया और एक अच्छा लुक दिख रहा है बट इस फोटो को और थोड़ा रीटच करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। ओके और इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एंड वी टेक दिस टू आप सबसे ऊपर ले जाएंगे इसको। ओके नाउ यहां से मोड में जाएंगे और हम इसको ग्रीन मर्ज करेंगे राइट। तो गाइस एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स जो है वो फेस पे प्रिंट हो गया है फ्लैग। ऐसे आप किसी भी इमेज को लेके आपको दो इमेज को मर्ज करना हो या फेस पे कुछ पेंट करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। इवन आप हैंड पे भी किसी इमेज को पेंट करना चाहते हो तो इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप करके आप पेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस और फ्री टिप अबाउट द फ्री सॉफ्टवेयर।